Hey friends, press the red icon to subscribe my channel and press the bell icon and never miss an update from my channel. Friends, आज हमारा recipe है Christmas plum cake. Traditionally Christmas cake बनाने के लिए बहुत सारे dry fruits को कोई सा भी alcoholic liquid में कम से कम 20-25 दिन पहले भिगा कर रखा जाता है to give extra flavor and texture to cake. But many of us don't like to use alcohol in their cake. In my today's video, I'm going to show you how to make a Christmas cake with very easily available ingredients and in a very simplified manner. So, let's get started. Dry fruits में हमें चाहिए काजू, टूटी फूटी जो कि colored cherry है, dates खजूर, fig अंजीर, और यह है walnut, अखरोट, almond बादाम. छोटी किशमिश और बड़ी किशमिश, जो भी केक में यूज किए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स आपको अवेलेबल हो आप वो सब यूज कर सकते हैं. और एक कप ऑल पर्पज फ्लोर मैदा. यहाँ पे मैंने चीनी लिया है एक कप, दूध कम से कम एक कप, एक छोटी कप कंडेंस मिल्क, ये दालचीनी पाउडर और ये इलायची पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और वैनिला एसेंस. सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे. ऐसे छोटे छोटे आकार में इसको काट लेंगे. जैसे कि खजूर और बड़े अंगूर वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो इसको हम केयरफुली सीड्स निकाल के फिर इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे. ये हमारा ड्राई फ्रूट्स चॉप होके तैयार है. अब हम एक कुकिंग बॉल लेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और हमारे जितना अमाउंट का ड्राई फ्रूट्स है कम से कम उतने अमाउंट का हमें पानी इसमें डालना है और इसको हमें पकाना है कम से कम 12 से 15 मिनट तक, जब तक ये टेंडर ना हो जाए. साइड बाई साइड हमें एक पैन को गर्म करना है और उसमें हमें चीनी ऐड करना है और मैं यहाँ पे चीनी को कैरामलाइज्ड कर रही हूँ. फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल हो तो आप वो यूज करें, उससे हमारा केक में अच्छा फ्लेवर और अच्छा कलर आता है. तो ये सबसे ईजिली अवेलेबल है चीनी जो हमारे घर में मिलता है, नॉर्मल वाइट शुगर, तो इसलिए मैंने ये लिया है. साइड बाई साइड हम ड्राई फ्रूट्स को भी देखते रहेंगे ये कि अच्छे से पक रहा है कि नहीं. चीनी हमारा ऑलमोस्ट कैरामलाइज्ड हो चुका है और इसमें हम आधे कप पानी मिलाएंगे और धीरे धीरे मिलाएंगे और बिल्कुल इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कैरामलाइज्ड वाटर चाहिए जो कि हम केक के बैटर में यूज़ करेंगे. ये भी हमारा ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट पक चुका है, हमें पूरा पकाना नहीं है, हमें थोड़ा सा टेंडर होने तक इसको पकाना है. और एक कंटेनर में हम 50 ग्राम आसपास बटर लेंगे और उसमें 2 से 2.5 चम्मच अराउंड कंडेंस मिल्क डालेंगे. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एगलेस केक बना रही हूँ तो इसमें कंडेंस मिल्क मैं यूज कर रही हूँ, इससे मेरी केक में अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आएंगे. अगर आप बिना अंडे का केक बना रहे हैं तो कोशिश करें आप कंडेंस मिल्क को इंक्लूड करें ही करें. आजकल तो ये हर किराने की शॉप में अवेलेबल है. इसको हम अच्छे से हैंड ब्लेंडर की हेल्प से फेंट लेंगे. आप नॉर्मल जो फेंटने वाला आता है उससे भी फेंट सकते हैं तो, या फिर अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप स्पून से भी फेंट सकते हैं. इसमें बीच बीच में दूध मिला के हमें इसको अच्छे से फेंटना है. इसमें हम कुक किया हुआ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ बिकॉज आई लव ड्राई फ्रूट्स इन माई केक स्लाइसेस, सो आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स हियर. अगर आपको पसंद नहीं तो आप जितना आपको ड्राई फ्रूट्स चाहिए आप उस हिसाब से अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं. और जो ड्राई फ्रूट्स बचे थे उसको मैं ग्राइंडिंग करके मिला रही हूँ, बिल्कुल दरदरा फॉर्म में आने के बाद इसको मैं मिला रही हूँ. और अब हम इसमें डालेंगे मैदा, इसको मैं छान के रखी थी.
इसमें डालेंगे कैरमलाइज्ड वाटर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसे बीच बीच में हमें कैरमलाइज्ड वाटर डालना है और मिक्स करना है। बीच बीच में हम दूध भी डाल लेंगे और सोडा। जितने सारे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि सोडा, बेकिंग पाउडर, सिनेमन, कार्डमम पाउडर, ये सबको हम मिलाएंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। वैनिला एसेंस मिलाएंगे और अच्छे से जेंटली इसको मिक्स करेंगे। कैरमलाइज्ड वाटर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्रिसमस केक होता है उसका बैटर थोड़ा नॉर्मल केक बैटर से थोड़ा सा थिक होता है, तो इसलिए मैं इस कंसिस्टेंसी में बैटर को बना रही हूँ। आज मैं कोई केक टिन में केक नहीं बनाने वाली, जो बाहर मिलता है एल्युमिनियम टिन उसमें मैं केक बनाऊंगी, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मैं बाहर से खरीदी हूँ। यहाँ पे मैं दो एल्युमिनियम टिन यूज़ कर रही हूँ। इसको बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और हमारा जो बैटर है हम टिन में आधा तक इसको पोर करेंगे। फ्रेंड्स, आधा से ज़्यादा हमें नहीं पोर करना है, क्योंकि जब ये बेक होगा तो इसको स्पेस चाहिए होगा कि ताकि फूले। और फ्रेंड्स, आज मैं दोनों तरीके से बेक करना दिखाऊंगी, एक हमारा प्रेशर कुकर में और एक कढ़ाई में। यहाँ इस कुकर को मैं हमेशा बेक करने के लिए यूज़ करती हूँ, इसलिए इसके नीचे नमक और टिफिन रखा हुआ है, और टिफिन के ऊपर हम बैटर वाला कंटेनर प्लेस करेंगे। यहाँ पे एक एल्युमिनियम कढ़ाई लिया है, उसके अंदर एक स्टैंड डालेंगे और बैटर वाला कंटेनर को प्लेस करेंगे। उसमें एक प्लेट ढक देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम में रखने के बाद इसको लो टू मीडियम फ्लेम में रख के एटलीस्ट 45-50 मिनट तक पकाना है। अगर आप बड़ा बर्तन यूज़ कर रहे हैं और अगर आपका केक का बैटर थोड़ा सा और ठीक है तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, लेकिन एटलीस्ट 35 मिनट तक पकने के बाद आप इसको खोल के देख सकते हैं आपका केक कहाँ तक पका है। मेरे केक बेक होने में 50 मिनट अप्रॉक्स लगा है। 50 मिनट के बाद हम लीड हटाएंगे और इसमें एक टूथपिक या नाइफ इंसर्ट करके देखेंगे, अगर ये क्लीन निकल आता है डैट मीन्स हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है। हमारे बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है और केक को देखिए कितना सुंदर लुक इसका आया है, दोनों ही केक अच्छे से बेक हुए हैं। वाओ, ये बहुत ही ज़्यादा और डिलीशियस और यम्मी लग रहा है। ये देखिए बॉटम से भी अच्छे से बेक हुआ है। इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद हम इसको कट करेंगे। इतना अच्छा ये केक बना है और अंदर कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और कितने स्पॉन्जी हैं, और देखिए हर तरह से ये बिल्कुल अच्छे से बेक हुआ है और काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। फ्रेंड्स, कम से कम इस केक को आप एक वीक तक रख के खा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो मैंने कभी रखा नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही मेरा केक ख़त्म हो जाता है। मुझे इतना पसंद रहता है, मैं हर दिन खा के इसको ख़त्म कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर फॉलो करिए ये रेसिपी और अपने अपने घर में बनाइए और क्रिसमस सेलिब्रेट करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी केक कैसे बनी, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।